अगर कभी आप इतिहास के बारे में कुछ टटोलने की कोशिश करेंगे, उनमें से एक ऐसे ऐसे रहस्य निकल के बाहर आएंगे जिनके बारे में आप कभी सुना ही नहीं होगा, शायद उनका आपका कभी जिक्र ही नहीं हुआ होगा। दोस्तों, आज एक ऐसी ही कहानी भारत के अनोखे किले की करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई इसे जीत नहीं पाया है। हैरानी वाली बात यह है कि किला पानी के एकदम बीचों बीच बना हुआ है। इस किले को मंडूर जंजीरा किला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस किले की पूरी जानकारी देने वाले हैं, पूरी फैक्ट बताने वाले हैं, ये कहाँ किला है और कहाँ कैसे बना और कौन बनवाया था, पूरी जानकारी देंगे एक एक करके। लेकिन अगर चैनल पहली बार कोई आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, अरब सागर के बीच इस किले को देखने का अपना अलग ही मजा देंगे। अगर आप कभी महाराष्ट्र जाएं तो उस किले को एक बार जरूर देखें। तो चलिए, इस किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो हैं वो आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं ये किला है कहां पर। ये किला महाराष्ट्र में मौजूद है और एक प्रसिद्ध पर्यटन के स्थल के रूप में जाना जाता है। ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गाँव मरुड़ के पास एक द्वीप पर मौजूद है, इसलिए इसे मरुड़ जंजीर किला के नाम से भी जानते हैं। अगर आप मुंबई से यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको यहाँ से 165 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए आपको राजपुरी घाट से इस किले तक लॉन लेनी पड़ेगी। आप महाराष्ट्र के कोंकण तट पर यात्रा करने के लिए इस किला का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस किले में इसे सिद्दी सुराल खान के शासनकाल में पूरा बनवाया गया था। किला 17वीं शताब्दी में जंजीर क्षेत्र के प्रधानमंत्री सिद्दी मलिक अकबर के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। किले की दीवारें तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई थी। इन पर करीबन 22 गोल बुर्ज हैं और यहाँ पर कुछ तोपों को लाइव भी देख सकते हैं, जहाँ से किले के अंदर से हमला किया जाता था। इनमें से देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप कालाल बागड़ी के नाम से यहाँ पर आज भी मौजूद है। अगर हम पिछले कुछ कहानियों पर रोचक करें तो यहाँ पर जंजीरा किला के जो समुद्री किले पर पड़ोसी इलाकों पर शासन करने वाले राजा, कोई भी राजा यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए। अभिलेखों के अनुसार शिवाजी इसे जीत नहीं पाए थे, हालांकि उन्होंने 13 बार जरूर कोशिश की थी। उनके बेटे संभाजी ने भी एक बार अनोखा तरीका अपनाकर ऐसा करने की कोशिश की और अंदर जाने के लिए पानी के नीचे सुरंग खो दी। अफसोस, वह भी असफल है और पूरी तरह से विफल होकर वापस आ गए। शिवाजी के बेटे ने खाड़ी के उस पार एक किला बनवाया जिसे कांसा कहा जाता है। उन्होंने सुरंग बनाने के लिए खोदी गई इस अधिकांश मिट्टी का इस्तेमाल दूसरे किले के निर्माण में बनवाया, जिसे जंजीरे के समुद्र इस्तेमाल होने वाले भविष्य के हमलों के लिए आधार पर इस्तेमाल किया जा सके। 22 एकड़ भूमि पर बने इस किले को बनाने में 22 साल तकरीबन लगे थे। अगर किले की बनावटी के बारे में बात की जाए तो किला सामान्य चौकोर आकार के बजाय अंडाकार आकार का है, जबकि किले की दीवार लगभग 40 फीट ऊंची है। इनमें से लगभग 19 गोलाकार मेहराब या बरामदे हैं, जिनमें से कुछ अभी भी तोपों में लगी हुई हैं। साथ ही प्रसिद्ध तोप कटलाल बकानी भी है, जिसे आप आसानी से यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों पर भरोसा करें तो इन तोपों का इस्तेमाल बड़े बड़े पैमाने पर समुद्र से आने वाले दुश्मन के प्रयासों को रोकने के लिए किया जाता था, तभी ये तोप आज भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है जैसे ही आप इस जगह पर पहुँचेंगे आपको मस्जिद महल के खंडर दिखाई देंगे। इस जंजीरा किला के अंदर ठंडे और मीठे पानी वाला एक गहरा कुआं है, जो वास्तव में खारे समुद्र के बीच में एक प्राकृतिक का आश्चर्य है, जो आज भी थके हुए असंगत प्यास बुझाने के लिए पानी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जंजीरा गुफाएँ भी हैं, जबकि मरुद वास्तव में एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बसा है और तट के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अजय किला 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बनने तक अजय रहा है, आज भी ऐसा है। तो दोस्तों, इस तरह इस जंजीरे किले की कहानी बड़ी अजीब है। जहाँ तक आज महाराणा प्रताप आज तक इसे 13 बार कोशिश करने के बावजूद नहीं जीत पाए थे, ऐसे जंजीरे किले के बारे में और भी कई कहानियाँ हैं और कई किस्से हैं जो आज भी दुनिया सामने अभी तक नहीं आए हैं, जो आज भी पड़ता है उन पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी रोचक और काफ़ी जानकारी फैक्टफुल लगी होगी। दोस्तों, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लगातार ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाते रहते हैं।